वर्तमान अध्यक्ष राजनीति को व्यावसायिक रूप से देखते हैं, व्यवसाय करते हैं, पैसा निकासी करते हैं और पूरे परिवार के साथ पैसा निकासी करते हैं। पूरा जुमला घर का बेटा बेटी परिवार सारे लोग कोऑपरेटिव बैंक में दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन मेरे परिवार का एक भी आदमी कोई नहीं देखा होगा। पैक्स अध्यक्ष लोगों से आप सिवान कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंह हैं और उन्होंने एक बयान दिया था जिसके बाद से पूरे सियासत में खलबली मचा हुआ है। वर्तमान कोऑपरेटिव के चेयरमैन जो उन्होंने कई सवाल खड़ा किया गया है इनके द्वारा, आइए जानते हैं कि इस मामले पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है सर, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी संस्था जिसको हमारे पूर्वजों ने 1917 में स्थापित किया कोऑपरेटिव बैंक को, उस संस्था को अवैध तरीके से लूटा जा रहा है, उससे अवैध निकासी की जा रही है, स्टाफ को पैसा बढ़ाया जा रहा है, उसको ले लिया जा रहा है, स्टाफ को जो एडहॉक पे स्टाफ हैं उनको उनकी आयु ख़त्म होते जा रही है, उनका पैसा बढ़ा करके वापस फिर से अवैध तरीके से ले लिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उनको अस्थाई करें और उनके 60 साल आयु करें ताकि वो कहीं दूसरे जगह भटकना उनको नहीं पड़े, पहली बात। दूसरी बात कि जो मैनेजर नहीं था, जो क्लर्क में बहाली हुआ उसको आप मैनेजर बनाकर, जो सक्षम नहीं था, कोई IBPS या किसी परीक्षा को पास नहीं किया उसको आप मैनेजर बना करके अपने चेक देते हैं और उससे अवैध रूप से पैसा निकलवाते हैं। ये सिवान के जनता का पैसा है, सिवान के कोऑपरेटिव का पैसा है, वो धरोहर है। उस धरोहर को आप अवैध तरीके से निकालते हैं और कहते हैं कि मैं लोन नहीं ले सकता हूं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव के संविधान में है कि जो चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा, डायरेक्टर होगा, वो लोन नहीं ले सकता है। वो बल्कि अपने निकटतम रिश्तेदार को भी लोन नहीं दे सकता है। और वही अपने बेटा के नाम पर 4 करोड़, अपने नाम पर 6.5 करोड़, ये पैसा निकासी किया गया। तो इस तरह बैंक बंद हो जाएगा। छोटा बैंक है, जब नेशनलाइज बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक जैसे बैंक बंद हो गए तो कोऑपरेटिव बैंक को कौन पूछता है? आज से 40 साल पहले छपरा सारण कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया तो आज तक नहीं खुला। सिवान का एक धरोहर है, हमारे पूर्वजों ने इसका स्थापना किया 1917 में, आज 105 साल का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया। इसको जिंदा रखना चाहिए। संस्था जिंदा रहेगा तभी तो एम्प्लॉय जिंदा रहेंगे। एम्प्लॉय कहाँ से उनका सैलरी मिलेगा? वो उसको लूट लिया जाएगा तो कहाँ से पैसा मिलेगा? मेरा यही आरोप है। यानी कि गलत लोग गलत तरीके से कोऑपरेटिव बैंक का संचालन कर रहे हैं? नहीं, गलत लोग नहीं कहेंगे, वो अध्यक्ष हैं इसलिए कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने हैं। पैक्स का अध्यक्ष ही कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष होगा, तो गलत उनकी मानसिकता है। अब जैसे एक छोटा सा काम, स्टैंड, साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड से वो पैसा वसूली करा रहे हैं अवैध तरीके, रोज गरीब आदमी को रख करके 500 रुपया देते हैं, बाकी अपने पैसा ले लेते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे, उसकी निगरानी कराइए, गार्ड रख दीजिए, जो बैंक पैसा देगा आम ग्राहक का, आम लोगों का बचत होगा। आप 10 रुपया 5 रुपया वसूलते हैं, शाम को उससे पैसा ले लेते हैं, जो वसूलता है उसको छोड़ देना चाहिए, अन्यथा को एक गार्ड रख के जनता से पैसा नहीं वसूलवाना चाहिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर किस तरह का कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोऑपरेटिव बैंक की संस्था बचे और कोऑपरेटिव बैंक जो है दिवालिया होने से बच जाए? देखिए, कार्रवाई के लिए मैंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, सचिव सहकारिता विभाग और सबको लिखा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं हाईकोर्ट गया हूँ, अप्रैल में 4 तारीख को इसका हेयरिंग है। इसके पहले ही लोग अपना हलफनामा दायर करेगा, लोग ये लोग बताएगा लोग कि उनके द्वारा क्या क्या अनियमितता की गई है। वैसे नवाड भी जाँच करने में आया है, तो जाँच करेगा, जो कमी पाएगा उसको उजागर करेगा। तो कानूनी कार्रवाई अपना चल रहा है, अभी चुनाव का समय है इसलिए उस पर हम बहुत कुछ कमेंट नहीं करेंगे। आपके माध्यम से अपने अध्यक्षों को कहेंगे, कोऑपरेटिव बैंक पैक्स के जो अध्यक्ष हैं उनसे कहेंगे कि संस्था को बचाइए और लूटने से बचाइए, बस। तो कुड़वा पैक्स का भी मामला आपके द्वारा उठाया? हाँ, कुड़वा पैक्स जो रामायण यादव जो अभी बैंक के अध्यक्ष हैं, उनका घर पड़ता है बरहन सिवान प्रखंड में, और उनके बेटा बड़हरिया प्रखंड के कुड़वा पैक्स अध्यक्ष बन गए हैं। जो वहाँ अध्यक्ष थे, प्रबंधक थे, सबको पैसा देकर के मुंह बंद करके वहाँ अवैध तरीके से वीडियो से मिलकर सदस्य बन करके वहाँ से अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये मामला ये भी आएगा अभी आगे। तो चुनावी समर भी शुरू होने वाला है, ऐसे में जो भी प्राथमिक कृषि साख समिति के जो अध्यक्ष हैं या इससे जो संस्था जुड़े हुए लोग हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे ताकि इस बार किसी तरह की गलत फॉर्म ना हो, गलती ना हो, ताकि यह दिन और यह 10 साल देखना पड़े? देखिए,
यही अपील हम करेंगे कि वो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कोऑपरेटिव का काम कर रहे हैं, वो करें, संस्था को बचाएं। कोई अगर एक रुपया देता है तो आपसे 10 रुपया की वसूली करता है, कोई आपको 1 रुपया लेता है तो 10 रुपया का वसूली करता है, उससे बचिए, बैंक को डूबने से बचाइए और तब आप जो करना हो कीजिए और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। किसी के धन और लोभ लालच में आकर के संस्था को डुबाइए नहीं, गलत आदमी को कुर्सी पर मत बैठाइए। नेताजी, एक बहुत बड़ा समस्या है किसानों को लेकर। किसानों का जो धान का उत्पादन हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन खरीद बहुत कम हो रहा है सिवान में, इसको लेकर किसान बहुत परेशान है। देखिए, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि लक्ष्य को बढ़ाया जाए ताकि सिवान में ज़्यादा से ज़्यादा धान की खरीदारी हो सके। अगले साल के बनिस्पत लगभग 40-50 हज़ार मैट्रिक टन कम खरीदारी हो रहा है। इसके लिए हमने भी प्रधान सचिव को लिखा है। मुख्यमंत्री जी जब सिवान में आए थे जसौली में, वहाँ भी लोगों ने, हमारे पैक्स संघ के अध्यक्ष ने वहाँ पर लिखित में दिया है, तो उम्मीद है कि बढ़ेगा। लेकिन उसी बढ़ने के क्रम में लोग उगाही कर रहे हैं, बढ़वाने के नाम पर उगाही कर रहा है लोग, तो इसको क्या कहा जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे लीडर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन मनोज सिंह का ही इतना ज़्यादा विरोध क्यों होता है? देखिए, मनोज सिंह का विरोध क्यों होता है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं सीधा देखता हूँ और सीधा बोलता हूँ और लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं, यही दिक्कत होता है हमारे साथ कि मैं जो भी देखता हूँ अपने सामने मैं बोल देता हूँ, और जो कमी होती है मेरे में, यही कमी है कि मैं सीधा बोलता हूँ और साफ साफ बोलता हूँ। कोऑपरेटिव का भ्रष्टाचार का मुद्दा जो आपने उठाया है, और लगता है कि इसी को लेकर के इस तरह का आपके ऊपर मतलब बयान दिया जा रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा हमको तो नहीं, कोई किसी ने बयान दिया है क्या? मैं नहीं सुना हूँ, और बयान देने वाले को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि मैं 10 साल रहा हूँ, कोई 1 रुपया का अनियमितता का आरोप मुझ पर नहीं लगा सकता है। अब मेरे जीवन का आदर्श है कि मैं व्यवसाय करूँगा, उसे कमाऊँगा, लेकिन राजनीति में मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ। कुछ लोग राजनीति को व्यवसायिक, बिल्कुल वर्तमान अध्यक्ष राजनीति को व्यावसायिक रूप से देखते हैं, व्यवसाय करते हैं, पैसा निकासी करते हैं और पूरे परिवार के साथ पैसा निकासी करते हैं। पूरा जुमला घर का बेटा बेटी परिवार सारे लोग कोऑपरेटिव बैंक में दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन मेरे परिवार का एक भी आदमी कोई नहीं देखा होगा। पैक्स अध्यक्ष लोगों से आप पूछ सकते हैं।